पीजी पार्ट टू की परीक्षा थी जिसमें प्रश्न पत्र में गड़बड़ी होने के कारण छात्र छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। प्रधान विश्वविद्यालय की पीजी पार्ट टू की परीक्षा चल रही थी। ज्ञानचंद्र जैन कॉमर्स कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र पर फर्स्ट पाली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया। दूसरी पाली में दर्शन शास्त्र विषय के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी की शिकायत के बाद छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परीक्षा को रद्द कर दिया है। 12वें पेपर की परीक्षा 5 जुलाई को होगी और 5 जुलाई को होने वाली 13वें पेपर की परीक्षा 14 जुलाई को होगी। दर्शन शास्त्र की परीक्षा को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हो सका है। हम लोग आज फिलोसफी का सब्जेक्ट था, उसमें से सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस सारा क्वेश्चन आया है। कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग के सिलेबस से है। और फिर सर लोग ने हम लोग पे दबाव दिया कि अगर सिलेबस से नहीं भी है क्वेश्चन तो भी आप सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, एग्ज़ाम कंप्लीट कीजिए। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। हम लोग फिलोसफी दर्शन शास्त्र के 25 स्टूडेंट हैं और सब लोगों ने इसका विरोध किया है। केमिस्ट्री पेपर 12 की परीक्षा हो रही थी और ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें से छात्रों ने ये शिकायत किया कि ये 12वां पेपर है लेकिन इसकी पढ़ाई हमको 13वें पेपर में होती है ना। अतः जो है सो हमको 13वें पेपर 12वें पेपर का सवाल दिया जाए। फिलोसफी का जो सो ये हुआ कि छात्रों का कहना है कि 12वां पेपर में ग्रुप बी होता है और हम लोगों के एडमिट कार्ड में भी ग्रुप बी है, इसलिए ग्रुप बी का सवाल दिया जाए। सहिया के कार्यों की समीक्षा के लिए मासिक बैठक की गई। बैठक में सहिया को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। सदर अस्पताल भवन में जिला कार्यक्रम समन्वयक जेम्स सैमुअल सोय ने सहियाओं की मासिक बैठक की। बैठक में सहियाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। सहिया को दिए गए प्रसव, टीकाकरण, परिवार नियोजन सहित अन्य कार्यों के लिए दिए गए लक्ष्य की समीक्षा की। जेम्स सैमुअल सोय ने कहा कि गांव की आबादी के अनुसार लक्ष्य तय किया जाता है। तैयार किए गए लक्ष्य की प्रत्येक माह समीक्षा की जाती है। कुल्हान विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है जिसमें गड़बड़ी की बात सामने आई है। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की बात मीडिया में आने के बाद हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय ने एक महीने में परीक्षा का परिणाम तो घोषित कर दिया लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद छात्र परेशान है। ऐसा मामला भी सामने आया कि पूर्णांक से ज्यादा अंक एक छात्र को मिला है। सारे मामले पर आज कुलपति ने मीडिया से बात की, कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है लेकिन आज सब कुछ ठीक है। डिजिटल युग में आप लोग सब उससे वाकिफ होंगे कि जब कंजेशन हो जाता है तो डाटा गलत आ जाता है। वो इसलिए हुआ क्योंकि एट ए टाइम 14,000 बच्चे हिट कर रहे थे और 14,000 हिट जब हो रहा था तो आपका जो हाईवे जो सुपर हाईवे था वो जाम हो जा रहा था, क्रैश कर जा रहा था। तो इसका मास उसमें आ जा रहा था, उसका मास एक पेज, कई बार आप देखे होंगे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। जो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कभी ऐसा होगा सडनली आप हिट करेंगे तो ये पेज उसमें प्रिंट हो जाएगा वो पेज। तो कहीं भी हमारा कोई गलती नहीं है, रिजल्ट में कोई गलती नहीं है। आज आप जा करके उसको हिट करके देखिए, यानी फ्री समय में देखिएगा, उसका मार्कशीट एकदम सही आएगा। झामुमो की छात्र इकाई झारखंड छात्र मोर्चा की नई टीम का केंद्रीय अध्यक्ष अमित महतो और चाईबासा विधायक दीपक बिरवा ने स्वागत किया। झारखंड छात्र मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष और सिल्ली विधायक अमित महतो के चाईबासा आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। फिर रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें छात्र मोर्चा के कुल्हान प्रमंडलीय टीम और पश्चिमी सिंहभूम की जिला टीम का स्वागत किया गया। उदय मांझी को छात्र मोर्चा का जिला अध्यक्ष और राजकिशोर मुंडा को जिला सचिव बनाया गया है। और हमारे जो पश्चिमी सिंहभूम के जिला कमेटी के जो जिला अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है उदय मांझी जी, जो कि चगदरपुर के निवासी हैं, एवं जो कुल्हान जो जिला सचिव का चुनाव हुआ है उनका नाम है राजकिशोर मुंडा जी। ये दोनों ही छात्र झारखंड छात्र मोर्चा के पश्चिमी सिंहभूम जिला के छात्र पदाधिकारी होंगे। आने वाले दिनों में कुल्हान स्तरीय जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें इनकी भागीदारी रहेगी। झारखंड उड़ीसा सीमा पर वन विभाग की टीम ने लाखों रुपए के सागवान की लकड़ी बरामद किया है। इस मामले में वन विभाग ने शंकर गोप नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सारंडा के प्रशिक्षु IFS विकास उज्जवल ने एक गुप्त सूचना पर सेल के एक क्वार्टर में छापा मारा जहां सारंडा जंगल से काट कर अवैध लकड़ी रखा हुआ था।